Hello, I welcome you all to StudyIQ. I am Prashant Dhawan. Now, recently, British Member of Parliament Debbie Abrahams, ये UK से India आना चाहती थी for a visit. मगर इनको New Delhi Airport से ही वापस भेज दिया गया, इनको deport कर दिया गया back to United Kingdom. अब ये क्यों किया गया है? सरकार ने इसका official answer दिया नहीं है, मगर unofficial sources से ये सामने आ रहा है कि Debbie Abrahams का जो stance था कश्मीर issue को लेकर, इस वजह से इनको वापस UK भेजा गया. Now, डिस्कस करते हैं कि ये इशू है क्या, डेबी एब्राहम्स का इतिहास क्या है, और जो यहाँ पे सरकार ने किया है क्या ये जस्टिफाइड है. तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा. अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन. नाउ सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल, क्या डेबी एब्राहम्स यूके की पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है? क्या ये कोई मिनिस्टर है? इनकी पार्टी पावर में है? वेल देखो, डेबी एब्राहम्स बिलोंग करती है ब्रिटेन की लेबर पार्टी से. ब्रिटेन में प्राइमरली दो मेजर पार्टीज हैं, लेबर और कंजर्वेटिव. आज के समय कंजर्वेटिव पावर में है, जिनके प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन. डेबी एब्राहम्स की पार्टी पावर में नहीं है और ना ये कोई मिनिस्टर है. यूके की पॉलिटिक्स में कोई इनका खास स्टैचर नहीं है, ये अपनी बस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, ओल्डहैम ईस्ट. मगर यूके की पार्लियामेंट में एक ग्रुप है कश्मीर को लेकर, पार्लियामेंटरी ग्रुप, उसको ये हेड करती हैं, उसकी वजह से ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहती हैं. तो इस ग्रुप का नाम है ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी कश्मीर ग्रुप. आप अगर यूके की वेबसाइट पर जाओगे parliament.uk, तो यहाँ पर आप इस ग्रुप को ढूंढ पाएंगे. ये ग्रुप मैं आपको प्रॉपरली जरा एक बार वेबसाइट पर दिखा देता हूँ. सो यहाँ पर आप देख पाओगे parliament.uk रजिस्टर ऑफ ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप्स. इसका पर्पस क्या है? देखो, पर्पस में ये कहते हैं टू सपोर्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द कश्मीरी पीपल थ्रू डायलॉग, टू सीक सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस, टू हाईलाइट दी अब्यूसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो ये ग्रुप प्राइमरी इनका काम ये है, इनके हिसाब से कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ हो रहा है, ये दुनिया के सामने लाना और ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को इस पूरे कॉज की तरफ मोटिवेट करना. यहाँ पे आप देख पाओगे ऑफिसर्स कौन हैं, चेयर और रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट हैं यहाँ पे डेबी एब्राहम्स, उसके अलावा वाइस चेयर यहाँ पे इमरान हुसैन, उसके अलावा ऑनरेरी प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे लॉर्ड अहमद, ऑनरेरी वाइस प्रेसिडेंट हैं अफजल खान, और सेक्रेटरी हैं इस पूरे ग्रुप के लॉर्ड हुसैन. और बाकी आप अगर इस पेज को एक्सप्लोर करोगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बेनिफिट्स इस ग्रुप को कहाँ से मिलते हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन और जो भी यहाँ पे अमाउंट है ये सब मैंशनड है, सारा डेटा है, ये आपको मिल जाएगा. नाउ यहाँ पर आप अगर सोच रहे हैं कि वेट, यूके की पार्लियामेंट ने एक ऑल पार्टी कमेटी बना रखी है कश्मीर को लेकर, ये तो इंडिया के अगेंस्ट है. वेल यहाँ पर आपको समझना होगा, यूके की पार्लियामेंट की वेबसाइट में जो ये APPG ग्रुप होते हैं, ऑल पार्टी ग्रुप्स इनको कहते हैं, ये बहुत से टॉपिक्स पे होते हैं. एक सीरिया पर है, एक पाकिस्तान के किसी इशू पर होगा, चाइना के इशू पर होगा. ये ऑफिशियल इनकी कमेटी नहीं होती, ठीक है? दे आर नॉट ऑफिशियल पार्लियामेंटरी बॉडीज़. इनका बस आप कह सकते हैं काम होता है रिपोर्ट्स पब्लिश करना, और सरकार को ये अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करके दिखाते हैं. सरकार के ऊपर है कि इन रिपोर्ट्स को सीरियसली ले या फिर ना ले. नाउ डेबी एब्राहम्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो जब से कश्मीर में जो आर्टिकल 370 और 35A है इसको एब्रोगेट किया गया, तो इन्होंने काफ़ी आलोचना करी है इंडिया की. जैसे ही आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो उसी दिन डेबी एब्राहम्स ने यह कोशिश करी कि यूनाइटेड किंगडम इस इशू को लेकर UN सिक्योरिटी काउंसिल में जाए. इन्होंने चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को, कि बिल्कुल यूके इस इशू को अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएगा तो ये ह्यूमन राइट्स के हिसाब से मॉरली करेक्ट मूव होगा. ये इनकी काफ़ी स्टेटमेंट्स आई थी इस इशू को लेकर. और रिसेंटली February 4, 2020 को जब लंदन में कश्मीर सॉलिडरिटी डे ऑर्गेनाइज किया गया, जो प्राइमरली पाकिस्तान फंडिंग से हुआ था, यहाँ पे पाकिस्तान के जो कमिश्नर हैं, हाई कमिश्नर टू UK मोहम्मद नफीस जकीरा, ये मौजूद थे. उसके अलावा जो पाकिस्तान ने एक प्रेजिडेंट बना रखा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, सरदार मसूद खान, ये भी यहाँ पे मौजूद थे. तो इनके साथ इन्होंने स्टेज शेयर किया और ये बात करी कि कश्मीर में अब्यूज़ हो रहा है ह्यूमन राइट्स का और ये इशू हमको इंटरनेशनलाइज करना होगा. इसके अलावा डेबी एब्राहम्स काफ़ी बार ये भी कह चुकी हैं कि इंडिया का जो निर्णय था कश्मीर को लेकर ये यूनिलैटरल था और ये गलत है और ये इंटरनेशनल लॉ के भी अगेंस्ट है. अब इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट कैसे है मुझे पता नहीं, मगर इन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी है. और काफ़ी बार जो इंडियन हाई कमीशन है इन UK, उनको भी ऐसी चिट्ठियां भेजी है कि व्हाट यू हैव डन इज रॉन्ग. तो सिंस डेबी एब्राहम्स का ये स्टांस रहा है
इसीलिए इनका वीज़ा रिसेंटली रिजेक्ट कर दिया गया और इनको न्यू दिल्ली से डिपोर्ट करके वापस यूके भेज दिया गया। और इस पर कंट्रोवर्सी ये हुई कि डेबी एब्राहम्स ने यह कहा कि देखो, इनिशियली मुझे ई वीज़ा दिया गया है, अब अचानक से मेरा वीज़ा कैंसिल क्यों किया गया, ये गलत है। तो इसी बात को लेकर आज के टाइम में मीडिया में काफ़ी बातचीत हो रही है। नाउ वीज़ा का जो इशू है कि वीज़ा पहले दिया गया, वीज़ा बाद में कैंसिल कर दिया गया, वो एक टेक्निकल पॉइंट है। मगर यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन ये आता है कि इनका जो ई वीज़ा है जो कैंसिल किया गया बिकॉज ऑफ अर स्टांस ऑन कश्मीर, क्या ये सही डिसीजन है, क्या इंडिया ने यहाँ पे सही किया है? क्योंकि पहली बात तो ये है कि इस एपिसोड से पहले डेबी एब्राहम्स कौन है किसी को पता भी नहीं था। ये अगर इंडिया में आ भी जाती, किसी सेमिनार में स्पीच देती या फिर कोई इंटरव्यू देती, तो उससे इंडिया को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता ना, उस पर ना ज़्यादा अटेंशन आती। मगर सिंस इनको वीज़ा डिनाई किया गया है, अब ये जो पूरा टॉपिक है काफ़ी तक न्यूज़ में है। और जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के शशि थरूर साहब, इन्होंने भी यहाँ पर यही बात बोली है कि ये जो निर्णय है ये ठीक नहीं है, एक डेमोक्रेसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी स्टेटमेंट है, ब्रिटिश MP हु क्रिटिसाइज गवर्नमेंट ऑन JNK स्टॉप्ड एट एयरपोर्ट कंडक्ट रियली अनवर्दी ऑफ अ डेमोक्रेसी गारंटी टू गिव अस फार वर्स प्रेस देन इफ शी हैड बिन एडमिटेड। तो ये बात मैं कहूँगा काफ़ी हद तक ठीक है। कई बार अगर हम कोई चीज़ सेंसर करने की कोशिश करते हैं तो उसको मीडिया अटेंशन पहले से ज़्यादा मिलती है। दूसरी बात शशि थरूर साहब ने यहाँ पर यह भी उठाई है कि एज ए डेमोक्रेसी हमको एक्सेप्टिंग होना चाहिए वेरियस ओपिनियंस का। आपको याद होगा आज से कई साल पहले शशि थरूर जब UK गए थे तो उन्होंने एक स्पीच दिया था ऑक्सफोर्ड यूनियन में। उस स्पीच में उन्होंने काफ़ी बार ब्रिटिश एम्पायर को क्रिटिसाइज किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स इंडिया इसको क्रिटिसाइज़ किया, और इनकी ज़मीन में खड़े होकर इनके सामने ये स्पीच दिया और जो UK के लोग थे देवर एक्सेप्टिंग ऑफ इट। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी एक इंडिविजुअल है, इनका भी ये ओपिनियन है, ये हम सुनेंगे। और यही बात शशि थरूर ने हाईलाइट करी है यहाँ पे कि आई फाइंड इट आयरोनिक दैट सम ऑफ द सेम पीपल हु अपलॉडेड मी फॉर गोइंग टू ब्रिटेन एज एन इंडियन MP एंड टेलिंग देम ऑफ अबाउट देयर कॉलोनियल मिसबिहेवियर आर अटैकिंग मी फॉर वॉन्टिंग इंडिया टू ग्रांट ब्रिटिश MP द सेम प्रिविलेज। अगर हम एक डेमोक्रेसी हैं तो हमें दूसरे का ओपिनियन भी सुनना होगा। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि डेबी एब्राहम्स कोई कश्मीर में रैली करने वाली थी या फिर उनकी कोई बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है यहाँ पे, कोई बहुत बड़ा ये रोड शो करती। मोस्ट प्रॉब्ली ये गुमनाम सा इंटरव्यू होता, कुछ सेमिनार में वो बातचीत करती। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि किसी चीज़ को सेंसर करके हम उसको ज़्यादा अटेंशन तो नहीं दे रहे। सिमिलर एग्जाम्पल आपको याद होगा, एक मूवी आई थी, मूवी या डॉक्यूमेंट्री आप कह सकते हैं, इंडियाज़ डॉटर करके। भारत सरकार को ये लगा कि वो डॉक्यूमेंट्री इंडिया की इमेज को ख़राब करती है, तो उसको हमने इंडिया में बैन कर दिया। अब जैसे ही वो बैन ही उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लोगों ने उसको काफ़ी रीअपलोड किया और फिर बाद में उसको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। तो ये एज ए पॉलिसी हमको सोचना होगा कि मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज में, मॉडर्न डे जो मीडिया है, वहाँ पर क्या हर चीज़ हम सेंसर करेंगे? अगर कोई व्यक्ति हमारे नेशनल नैरेटिव के हिसाब से नहीं चलता तो उसको डिपोर्ट करना ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं हमको दूसरे की बात भी सुननी होगी लाइक एनी मैच्योर डेमोक्रेसी वुड डू? तो यहाँ पर आपका क्या व्यू है, आपका क्या विचार है, क्या यहाँ पर इंडिया ने जो किया है वो ठीक है, या फिर जो शशि थरूर कह रहे हैं इनकी बात भी काफ़ी हद तक रेलेवेंट है? सो दिस इज़ दी एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।